फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ मेथी के मज़ेदार से, इजी से, हल्के फुल्के पराठे। इसलिए हमें चाहिए मेथी। मेथी आप ले लें जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो, 200 ग्राम। इसमें हम थोड़ी सी ले रहे हैं, तो इसमें एक ग्रीन चिली और 2-3 लहसुन के जवे डालेंगे। और आटा ले लें आप, कोई भी आटा ले लें। इसके लिए इसके अंदर आपने ये लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट जो है वो ऐड करना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है नमक, रेड चिलीज और हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन, जो कि आपका हाजमा करेगी। थोड़ी सी क्वांटिटी आपने बेसन की ऐड करनी है और ये आपका जो डो का मिक्सचर है वो रेडी हो जाएगा। इसको आपने फिर चाहे तो आप इसमें योगर्ट डाल के इसको मिक्स करें, या पानी ऐड करें और अपनी डो बना लें। और इसके अंदर आप चाहे तो कोरिएंडर यानी धनिया वो भी डाल सकते हैं। और मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहती, सो मैंने इसको सिंपल सिंपल रखा है। इसमें आप मेथी डाल दें। मेथी डालने के बाद इसको आप आटे की तरह जैसे गूंथते हैं वैसे इसकी डो बना लें। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं आप, इससे पराठे जो हैं काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। और इस तरह ये आपने मिक्स करना है आटे की तरह। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया मैंने। और ये देखें, आपकी ज़बरदस्ती डो तैयार हो गई है। और अब हम इसको छोटे छोटे पेड़े बना के बनाएंगे। ये हमने छोटे छोटे पेड़े बनाए और इसकी छोटी छोटी रोटी बना के हमने तवे पे डाली है। आप इसके साथ ऑयल, घी या मक्खन किसी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस है आप ऑयल यूज़ करें, घी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है। और इसको आहिस्ता आहिस्ता आप गोल्डन फ्राई करें, गोल्डन बनाएं। और जब जैसे जैसे इस पर प्यारे प्यारे गोल्डन गोल्डन फूल बनेंगे, साथ साथ घी ऐड करें और तब आपने इसको नीचे उतार लेना है। और ये रहे मज़ेदार क्रिस्पी फंकी और मज़े मज़े के मेथी वाले ज़बरदस्त पराठे। आप अचार, दही, केचप, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दें अगली वीडियो की तक की इजाज़त। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।